दिल्ली की जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों की याचिका पर राउच एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट, 12 मई को होगी सुनवाई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज इस्लामाबाद कोर्ट में किया जाएगा पेश। कल पाकिस्तानी सेना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से किया था गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ बड़ा सड़क हादसा, कार और ट्रक में हुई टक्कर, 4 की मौत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदान हुआ शुरू, सुबह 9 बजे तक 8.26% पड़े वोट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, साहिस्ता को माफिया लिखना पुलिस नहीं बल्कि सीएम योगी की भाषा। छत्तीसगढ़ में आज दोपहर 12 बजे घोषित किए जाएंगे 10वीं और 12वीं के बोर्ड के नतीजे। अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने के लिए जम्मू कश्मीर से किया गया था धमकी भरा ट्वीट। कर्नाटक चुनाव में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने डाला वोट। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार 30,000 शिक्षकों की करेगी भर्ती, स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर की घोषणा। ट्यूनिशिया में सिनेगॉग के पास हमला, 2 सुरक्षा बलों की मौत।